हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजॉय एंड लव इन अ फील। आज हमारे साथ है पास डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन पूनम ग्रोवर जी, जो हमें बताएंगे कि डायस के ऊपर डेकोरम कैसे मेंटेन करना चाहिए। चलिए सुनते हैं आज हम पूनम ग्रोवर जी से। आप सबको बहुत बहुत बधाई आने वाले वर्ष के लिए। आप सब अब तैयार हो चुके हैं अपने अपनी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए। आज मैं आप सबको डाइस के डेकोरम को कैसे मेंटेन किया जाए उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। सिटिंग अरेंजमेंट के अनुसार आप सबको अपनी जगह पर बैठना चाहिए और साथ ही साथ चेयर से आवाज़ ना आए इसका भी ध्यान रखना चाहिए। आप सबका जब वेलकम किया जा रहा हो तो चेहरे पर यदि थोड़ी सी मुस्कुराहट हो तो और भी अच्छा लगता है। जब तक इमरजेंसी ना हो हमें एक दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए। अपनी अपनी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स को ठीक से अरेंज करके रखने चाहिए। एजेंडा की कॉपी आपकी फाइल में सबसे ऊपर होनी चाहिए। एजेंडा के अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्ट्स को तैयार रखना चाहिए ताकि जैसे ही अनाउंसमेंट हो तो आपको माइक तक पहुंचने में समय ना लगे। रिपोर्ट्स, मैसेजेस और वेलकम स्पीच आप जो भी पढ़ने जा रहे हैं पढ़ते समय यदि एक से अधिक पेजेस हैं तो आप उसे उसकी पिन को पहले से ही निकाल लीजिए ताकि पेज नंबर 1 से यदि आप पेज नंबर 2 पर जाएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी और उसकी आवाज़ माइक के द्वारा ऑडियंस तक नहीं पहुंचेगी। आपके लिखे हुए मैटर को यदि उसके फॉन्ट को उसके लेटर्स को थोड़ा बड़ा रखेंगे तो आपको पढ़ने में सुविधा होगी। एक लाइन की मार्जिन की जगह 2 लाइन का मार्जिन रखेंगे तो और भी आपको सुविधा होगी। और जो आप टाइप करते हैं उसको फ्रंट पेज पे कीजिए, बैक साइड पे मत कीजिए तो आपको पेजेस चेंज करने में समय नहीं लगेगा और डिसेंट दिखाई देगा। एड्रेस करते समय सबसे पहले हमें चेयर को एड्रेस करना चाहिए, यानी हमारे डिस्ट्रिक्ट लीडर, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को, उसके बाद ही हमें गेस्ट को एड्रेस करना चाहिए। आप जब जब भी अपने कलीग्स के लिए कुछ भी अनाउंस करने जाते हैं या वेलकम या किसी भी तरह का, तो उन्हें उनके फुल नेम और डेजिग्नेशन के साथ ही अनाउंस कीजिए। स्पेशली डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के लिए ये मैसेज है। और सबसे बड़ी बात, आप सब अपने अपने साड़ियों को ठीक से पिनअप करके रखिए ताकि आपका ध्यान बार बार आपके गिरते हुए पल्लू की तरफ ना जाए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिनका यदि हम ध्यान रखें तो हम अपने इस इवेंट को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी इन सब बातों को आप अच्छी तरह से समझेंगे और उसे फॉलो करेंगे। थैंक यू।